हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टमाटर गोश्त की बेहद मज़ेदार और बेहद आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, फटाफट से बनकर ये तैयार हो जाता है। खाने में भाई क्या कहने, चलिए एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आ जाना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कॉमेंट दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम गोश्त लिया है, एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, एक इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है, सबको काट के डाल देना है। एक मीडियम साइज़ का चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, सरसों के तेल में इसको हम बना रहे हैं, तेल डाल दिया है और साथ में हम यहाँ कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पे हमने जो मसाले ऐड किए हैं भाई, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। हमने यहाँ एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है क्योंकि हमें ज़्यादा तीखा बनाना है। अगर आपको कम तीखा बनाना है तो आप लाल मिर्च पाउडर कम ऐड करिए और बाकी हमें यहाँ हरी मिर्च का भी यूज़ करना है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी डाला है, 4 हमने यहाँ हरी इलायची डाली है, 2 तेज पत्ता डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए, और यहाँ आधा छोटा चम्मच काली मिर्च ली है, 4 लौंग लिए हैं, थोड़ा सा जायफल, जावित्री और बहुत थोड़ा ही दालचीनी हमने इसमें ऐड कर दिया है। मैं आपसे दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज़ चैनल पर नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दिएगा बेल आइकन लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। 1 कप पानी ऐड करना है और हाई फ्लेम पर हमने यहाँ 3 विसल लगा लेने हैं, बाद में आप चेक करिए। और ये जो पानी है इसको पूरा हाई फ्लेम पर फटाफट खुश्क करना है, अच्छे से भून लेना है गोश्त को, जब तक कि मसाला अच्छे से चटक नहीं जाता, यानी कि एकदम पानी खुश्क हो जाए, ऑयल अलग दिखने लगे, बस इस तरह से हमें इसको खूब अच्छे से भून लेना है। और ये इतनी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है, देखिए आप, बस यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिए हैं हाई फ्लेम पे ही, एक विसल चाहे तो लगा लीजिए 1 से 2, और उसके बाद या फिर आप अपने बर्तन के हिसाब से इसको गला लीजिए गोश्त को और टमाटर को। अब करना क्या है, यहाँ पे हमने एक विसल लगा ली थी हाई फ्लेम पे और बाद में बस इसको हाई फ्लेम पे ही अच्छे से हम टमाटर को, देखिए गल गया है, एकदम सॉफ्ट पड़ गया है। अब इसको हमें अच्छे से भूनना है, साथ में ही आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें हरी मिर्च ऐड कर दीजिएगा। अगर तेज़ मिर्च है तो आप सिर्फ 3 डालिए, अगर हल्की है तो 4-5 भी चलेगा। तो ये मिर्च डालने के बाद इसको हमने देखिए कितने बढ़िया से भून लिया है, ऑयल अलग दिखने लगा है, मसाला काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से भून चुका है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और इतना बढ़िया खाने में ये लगता है। अब अगर आप चाहें तो इसी तरह से बनाकर खा सकते हो, बस ये भुना हुआ यहाँ पे बस थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा इसको ढीला करना है तो आप यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करिए, मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट और पकाइए और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए इसको, बस खाइए गर्म गर्म। उम्मीद है रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।